गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट ईवीएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओपन यूर सीडब्ल्यू कॉपी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अवर क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू एच वाई वाई आई एस इज एम आई एल के मिल्क C A double L E D called T H E the C O M P L E T E complete F double O D food। यहाँ पूछा गया है why is milk called the complete food? Milk को complete food क्यों कहते हैं? Okay, now let's start। So students, ओपन यूर कॉपी एंड राइट चैप्टर नंबर सेकेंड। सी एच ए पी टी ई आर चैप्टर सेकेंड। Now second thing is write chapter name H E A L T H Y healthy F double O D healthy food। Okay, now come on second line and write a heading think T H I N K think and A N D and write W R I T E राइट डैश लगाइए। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू एच वाई आई एस इज एम आई एल के मिल्क एम आई एल के मिल्क सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड द कंप्लीट सी ओ एम पी एल ई T.E. complete food okay। Now let's start for answer। लिखिए milk is A complete C O M P L E T E complete food F double O D food because B E C A U S E because it I T it contains लिखे C O N T A I N S contains all A double L all T H E the
न्यूट्रिएंट्स लिखिए, न्यूट्रिएंट्स एन यू टी आर आई, एन यू टी आर आई ई एन टी एस न्यूट्रिएंट्स। ओके सो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया था व्हाई इज मिल्क कॉल्ड द कंप्लीट फूड, मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहते हैं। तो हमारा आंसर था मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मिल्क को कंप्लीट फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हुए रहते हैं, ठीक है, सभी कंटेंट्स रहते हैं जैसे विटामिन प्रोटीन मिनरल्स ये सभी उसमें रहते हैं, तो इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया है। आगे आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।